हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं खुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट। गाइस, मैं एकदम नई सीरीज शुरू करने वाला हूं और इस सीरीज में मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा पॉपुलर चीजें हैं उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह के बारे में बताऊंगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट्सएप से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलने वाली है व्हाट्सएप के बारे में जो शायद आप लोगों ने पहले ना सुनी हो। तो बिना उत्तर बात करे चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। गाइस, दो दोस्तों ने नौकरी ये सोचकर छोड़ दी कि चलो कुछ बड़ा काम करते हैं, अपना काम करते हैं। उसके बाद उन्हें उस काम में सफलता नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने फिर से नौकरी ज्वाइन करी, उसके बाद फिर से नौकरी छोड़ी और सोचा कि चलो फिर से कुछ और अपना काम करते हैं। उसके बाद उन दो दोस्तों ने व्हाट्सएप बनाया जिसकी इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ी, इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी कि ये व्हाट्सएप इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ और वो लोग मिलियनेयर बन गए। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं व्हाट्सएप के फाउंडर जिम क्वाम और को फाउंडर ब्रायन एक्टन की। ब्रायन एक्टन जिन्होंने 2009 में ट्विटर और फेसबुक में अप्लाई किया था जॉब के लिए, लेकिन उन्हें वहां पर जॉब नहीं मिली, उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसी फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में इसकी पॉपुलरिटी के चलते हुए $19 बिलियन में खरीदा था। व्हाट्सएप का नाम व्हाट्सएप इसलिए पड़ा क्योंकि जो व्हाट्सएप वर्ड जो है उससे मिलता जुलता है ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए इसका नाम व्हाट्सएप रखा गया। व्हाट्सएप का मतलब है जैसे आप किसी को देख के बोलते हैं हाय व्हाट्सएप, क्या हाल चाल है, इसलिए व्हाट्सएप का नाम व्हाट्सएप पड़ा। व्हाट्सएप एक दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसने आज तक एक भी रुपया मार्केटिंग में खर्च नहीं किया, एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं किया और दुनिया की सबसे ज्यादा तेज ग्रो होने वाली कंपनी है जिसने आज तक एक भी रुपया मार्केटिंग पे खर्च नहीं किया। इसीलिए व्हाट्सएप के पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग टीम है ही नहीं। व्हाट्सएप में सिर्फ 55 इंजीनियर्स काम करते हैं और एक इंजीनियर लगभग 18 मिलियन यूजर्स का डेटा और यूजर्स को हैंडल करता है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। व्हाट्सएप जो है वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है, चाहे आप एंड्रॉइड की बात करें या एप्पल की, सबको कंबाइन करके अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप जो है वो दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है। व्हाट्सएप पर हर रोज 65 बिलियन टेक्स्ट मैसेज, 45 बिलियन इमेजेस और 1 बिलियन वीडियोस हर रोज शेयर की जाती हैं। और व्हाट्सएप की रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज यूजर लगभग 23 बार अपना व्हाट्सएप चेक करके देखता है दिन भर में। आप मुझे बताइए आप कितनी बार अपना व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप की एक साल की कमाई नासा के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। व्हाट्सएप के नाम एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड है जो शायद कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहेगी। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सोशल मैसेजिंग ऐप है, वहीं व्हाट्सएप जो है वो मोस्ट बैंड एप्स भी है। व्हाट्सएप लगभग 12 कंट्रीज में अलाउड नहीं है, 12 कंट्रीज की गवर्नमेंट व्हाट्सएप को अपने कंट्री में चलाने की परमिशन नहीं देती है, जैसे कि सीरिया, ईरान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में व्हाट्सएप बैन है। और इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज है, टोटल 12 कंट्रीज है जहां पर व्हाट्सएप बैन है। फेसबुक के एक्वायर किए जाने से पहले व्हाट्सएप को ऑफर मिला था गूगल की तरफ से $10 बिलियन का, लेकिन व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे उन्हें पता थी इस व्हाट्सएप की वर्थ कितनी है, तो इसलिए उन्होंने गूगल को ना देकर फेसबुक को बाद में $19 बिलियन में व्हाट्सएप को बेच दिया था। तो अब जो है व्हाट्सएप फेसबुक की प्रॉपर्टी है। व्हाट्सएप के पास 1.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जो कि मंथली यूज करते हैं व्हाट्सएप, और उसमें से 70% यूजर ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप को डेली यूज करते हैं, और इसी वजह से व्हाट्सएप की एक साल की कमाई नासा के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मैं कोशिश करूंगा इसी तरह की अलग अलग टॉपिक पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो आगे लाने की। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और क्या मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूं। आप लोग और अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह जानने में इंटरेस्टेड है या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस आपको आगे देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं आप लोग मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।